आज की हमारी इस कैलकुलेशन, आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VBA प्रोग्रामिंग। जी हाँ, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग, वो भी हम एमएस एक्सेस में डिस्कस करेंगे, एमएस एक्सेस डेटाबेस में। और एमएस एक्सेस डेटाबेस और एक्सेल या आउटलुक सब में कुछ चीजें कॉमन है, वही कॉमन चीज हम आपको आज बताएंगे इस क्लास में। तो किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो जरूरत चीज होती है वो होती है डेटा टाइप्स। चाहे आप सी यूज करें, जावा यूज करें, पैथन यूज करें, सिकल यूज करें, कुछ भी यूज करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होती है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, तो चलिए आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अल्ट एफ 11 प्रेस किया तो हमारे पास ए इस तरह का एडिटर आ गया, क्योंकि आपके एक्सेल की तरह एक्सेस में डेवलपर टाइप नहीं होता आई थिंक। आप यहाँ कस्टमाइज लेवल में जाएंगे तो आपको डेवलपर टाइप कुछ नहीं दिखेगा। तो अल्ट एफ 11 प्रेस करते ही आपको विजुअल बेसिक फॉर एडिटर खुल जाएगा, जैसे कि आप एक्सेल में भी खोल सकते हैं, आउटलुक में भी खोल सकते हैं। और इंसर्ट करके हम मॉड्यूल्स बनाते हैं और यहाँ पे एक माइक्रो देते हैं सब। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों है, राइट सर, डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको VBA प्रोग्रामिंग के अंदर कोई डेटा होल्ड करवाना है। अब डेटा होल्ड क्यों करवाना है, जब हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो हमें डेटा होल्ड करवाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि d इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 20+30। अब 20+30 का जो रिजल्ट है इसको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। अगर एक्सेल में आप यूज करते हैं तो रेंज पे होल्ड करना पड़ेगा, एक्सेस में यूज करते हैं तो आपको फॉर्म पे, किसी फॉर्म पे, किसी टेक्स्ट बॉक्स पे या लेवल पे होल्ड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको होल्ड तो करना पड़ेगा। तो कहाँ होल्ड करेंगे, तो अगर आप एक्सेल पे हैं तो रेंज यूज करते हैं, कोई सेल यूज करते हैं तो सेल को ब्लॉक रखना पड़ेगा, ऐसे एक्सेस में एक टेक्स्ट बॉक्स लेवल को ब्लॉक रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेम्प कोई कैलकुलेशंस है जो कि इसी के अंदर यूज करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन चाहिए जो कि इस के लिए हो, माइक्रो हर्ड पे वो लोकेशन क्रिएट डिलीट हो जाए, ताकि हमें अपने डेटा शीट, अपने फॉर्म, अपने अपने जो हमारा जो एक्चुअल जहाँ अप्लाई करना है वहाँ किसी ऑब्जेक्ट को यूज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे डी आर इक्वल टू कर दिया 20+30। अब R का अगर मैं MSG के साथ R कर दूं तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो मुझे यहां पे 50 शो, सॉरी MSG बॉक्स होगा, माफ कीजिएगा, यहां आपको 50 दिख रहा है। तो क्या हुआ कि हमने अपनी कैलकुलेशन को एक डेटा टाइप पे हमने स्टोर कर लिया, और जहां हमको इसको यूज करना है, जैसे मैसेज बॉक्स में यूज करना है या कहीं और यूज करना है, वहां पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो एमरजेंसी चीज समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ सर, समझ आ रहा है। चलिए, तो ये डेटा टाइप्स ये तो हमने ऐसे कर दी, लेकिन इसको एक्चुअली डिफाइन करना होता है। डिफाइन क्यों करना, पहले यहां तो बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें जरूरत क्यों है,
इसका डेटा टाइप्स की ये समझ में आ गई आप लोगों को कि आखिर जरूरत क्यों है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इसमें इसके भी टाइप्स होते हैं, तो हमें जो यूज करना होता है वो डिक्लेयर करके करना होता है। जैसे मुझे यहां पे करना है तो मैं यहां पे यूज करूंगा डिम आर एज ए इंटीजर। अब इंटीजर जो हो गया, अब क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया, इससे पहले डिफाइन नहीं था तो वो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट में था, मतलब जैसा टाइप करेंगे वैसा वो हो जाएगा। तो डिफाइन क्यों करते हैं, तो डिफाइन करने के दो रीजंस हैं। पहले रीजन से कास्टिंग, मतलब कि इसकी कास्ट जो है वो इंटीजर हो गई, वो इंटीजर डेटा को ही स्टोर करेगा। मतलब कि अगर मैं 3.60 कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट आपका सिर्फ 51 जो है 51 आ रहा है, क्योंकि इसने इसको राउंड कर दिया। तो यहां पे आपको राउंड करने का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं पे आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको फिगर्स जो आपको इनपुट चाहे जो भी है आपको इनपुट राउंड इसमें लेने हैं, इसमें क्या बोलते हैं राउंड में ही लेने हैं, तो वहां पे राउंड के चीजों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हरी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। ओके आल्ट प्लस आर कर लीजिए, सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी आल्ट प्लस आर कर लीजिए, सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आल्ट प्लस आर, आर फॉर रिकॉर्ड। ओके तो अभी हम जो हर्ष जी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा टाइप को स्टोर डिस्कस कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का है वीबी में या कुछ वीबी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग लिस्ट दी है पॉइंट ही है। जैसे मैंने आपको फोन पे बताया था कि हम एक्सेस की आज करने वाले हैं, तो कोई भी प्रोग्राम सीखते हैं आप तो आपको वेरिएबल्स डेटा टाइप सीखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन है तो आपको होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं। एक्सेस का जो फॉर्म है वो आपका एक्सेल का यूजर फॉर्म होता है। तो हम एक्सेस में जाते हैं, सबसे पहले डिजाइन फॉर्म पे आते हैं। तो मान लीजिए कि हमें एक कैलकुलेशन करना है टैक्स का, ठीक है ना? हमें एक फॉर्म जहां पे हम एंट्री करें और टैक्स कैलकुलेट होके आ जाए, या जीएसटी समझ लीजिए, जीएसटी कैलकुलेट होके आ जाए। तो मैंने क्या यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, मैं पहले डिजाइन करता हूँ। इस तरह से डिजाइन करेंगे आप इसमें एक्सेल के यूजर फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारा हो गया नीचे करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एमआरपी, और इसके नीचे मैं कर देता हूँ जीएसटी। और यहां पे लेते हैं जीएसटी, एक हम और देते हैं यहां पे टोटल। एक यहां पे हम दे देते हैं अमाउंट, यहीं पे डाल देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फॉर्म ओपन हो, हम क्वांटिटी और एमआरपी डालें, जीएसटी टाइप को सिलेक्ट करें।
इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन आ जाए और इन सबको, इसको और इसको आपस में टोटल करके, मतलब जीएसटी अमाउंट और टोटल करके यहाँ टोटल दी जाए, राइट। तो ये हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं यहाँ ये बटन ही लेते हैं, मान लीजिए बटन पे करना है, यहाँ पे मैं इसी पे रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मुझे ईमेल पे ऑन क्लिक, इस पे क्लिक करना है, कोड बिल्डर पे जाके ओके करना है, ये हमारा कोड बिल्डर खुल गया, ठीक है। अब जैसे कि अगर नॉर्मल कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन करना है, हमें करना है क्वांटिटी है, यहाँ अमाउंट इक्वल टू अमाउंट पे इन दोनों का कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। अभी अमाउंट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका अपना नेम है जो कि है टैक्स 10, हालांकि इसको चेंज भी कर सकते हैं कहाँ ऑल में जाके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ अमाउंट। हर ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी शीट में, चाहे एक्सेल हो चाहे आपका ये हो। इसका नाम मैं एमआरपी, यहां से चेंज कर सकते हैं या फिर हम कहीं और से भी चेंज कर सकते हैं, यहां यहां भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं कि टेक्स्ट अमाउंट पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि टेक्स्ट जीरो को मल्टीप्लाई करना है टेक्स्ट टू से, तो टेक्स्ट जीरो डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट टू डॉट वैल्यू, समझ गए। तो इसी तरह से और भी चीजें करनी है थोड़ी सी, अगर ये तो चलो मल्टीप्लीकेशन है लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा तो वन टू डाल, वन टू वन टू इंटर, तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो दिक्कत होगी ना सर, इसलिए हम यहां पे वेरिएबल डालेंगे। तो यहां पे हम करेंगे डिम आर एज आर, यहां पे मैं अमाउंट है अमाउंट एज ए इंटीजर दा क्या करा के जगह गाइड से कत्तो रोगा, और यहां पे डिम क्वांटिटी एज ए आल्सो इंटीजर अमाउंट, हां उसके बाद डिम एम आर पी एज ए इंटीजर, उसके बाद यहां पे डिम जी टाइप जी टी कर देता हूं एज ए ऑल्सो इंटीजर, नंबर डालने से इंटीजर ले रहा हूं। अब उसके बाद जीएसटी डिम जीएसटी एज ए, अब यहां पे मुझे डबल लेना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी परसेंटेज निकलेगा तो परसेंटेज में थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस होने के चांसेस हैं, तो अगर आपके पास फ्लैट नंबर है तो डू यूज द इंटीजर, लेकिन अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डबल, और फिर यहां पे डिम टोटल एज ए ऑल्सो डबल, क्योंकि हमें डेसिमल में लीजिए डबल अदरवाइज इंटीजर। अब यहां पे तो हमने वैल्यू को
या डिफाइन किया है ना, अब मुझे वैल्यू फॉर्म से इस पे स्टोर करना है, फॉर्म से वैल्यू इस पे स्टोर करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि अमाउंट, ऐसे इसका अमाउंट नहीं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू यहां हो जाए टेक्स्ट जीरो डॉट वैल्यू, उसके बाद यहां होगा आपका एम आर पी इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट वैल्यू। अब टेक्स्ट जीरो टेक्स्ट टू कहां से ले रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी शीट जो यहां होती है यहां पे दिखती है, ऐसे आपको एक्सेल में भी दिखती है, ठीक है ना। नाम होता है, तो नाम आप चाहो तो यहां से ऑल में जाके चेंज भी कर सकते हो या फिर अपना नाम भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, उसके बाद मुझे अभी हो गया, मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। कितना सिंपल हुआ कैलकुलेशन सर, क्या सर। फिर हम यहाँ पे जी टी इक्वल टू यहाँ आपका जी टी टाइप होगा, हाँ जी टी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट फोर है हमारा, तो टेक्स्ट फोर वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद जी एस टी कैलकुलेट करना है, तो फिर अभी तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं लगा रहा हूँ इसमें, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पे आपका आएगा जीएसटी, जीएसटी इक्वल टू, अब मुझे यहां पे रेट भी डिफाइन करने हैं, तो फिलहाल तो मैं मेनू डाल देता हूं, यहां पे इक्वल टू करता हूं अमाउंट प्लस अमाउंट का, अब यहां जो परसेंटेज निकालेंगे, जैसे मुझे 5% निकालना है तो 0.05 लिखेंगे। कैलकुलेशन कर लिया, अब रिजल्ट बाहर शो करना है मुझे, तो किस पे शो करना है, अमाउंट शो करना है मुझे अमाउंट, नाम चेंज कर दिया था इसलिए अमाउंट यहां डालेंगे अमाउंट डॉट वैल्यू। अब यहां पे दिक्कत है सर, अब अमाउंट आपका ए भी है, डेटा भी है, डेटा टाइप भी है और आपका ए भी है, तो यहां पे आपको खाए तो आपका चेंज करना है नेम को, क्योंकि एक नाम का वेरिएबल और वेरिएंट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकता, तो आपको अमाउंट सी मैंने कर दिया, या फिर आपको वेरिएबल चेंज करने होंगे, एक नाम के दो चीज नहीं हो सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाउंट सी सी अमाउंट था, सी अमाउंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट जो कि कैलकुलेशन की गई है जहां पे स्टोर है उसको हमने डाल दिया। अब यहां पे इसमें बारी आती है जीएसटी के लिए, तो जीएसटी हमारा कौन सा है, जीएसटी यहाँ पे हमारा है जीएसटी 7 टैक्स। तो अब यहां पे मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि टैक्स 7 डॉट डॉट नहीं टैक्स 7 ये टैक्स 6 है, यहाँ पे जो नहीं होगा डॉट में नहीं आएगा ना सर। अब इसमें मैंने जीएसटी तो कैलकुलेट किया नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको भी डाल सकता हूँ कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%, डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ। और फिर यहाँ पे टोटल किसका है, टोटल आपका टेक्स्ट 8 है, तो टेक्स्ट 8 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी, या फिर आप इस यहां से इसको हटा दो कंफ्यूजन हो रही हो तो, और यहां इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी टोटल इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी, ठीक है, यहां पे टोटल हो जाएगा और यहां पे जीएसटी। अब बोलेंगे सर इतना क्यों कर रहे हैं, सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो चलो आपका जस्ट मल्टीप्लाई वगैरह है तो आप कर लोगे, लेकिन जब आपके पास कंडीशन होगा
बहुत सारे वेरिएंट होगा तब क्या करेंगे, जो कि अभी थोड़ा देर में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो हमने बताया है जीएस अभी दिखा रहा हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म पे सेव किया, अब मैंने क्वांटिटी यहाँ पे मान लीजिए 20 दी, एमआरपी यहाँ पे 500 दिया, जीएसटी टाइप मैंने 1 ही देता हूँ क्योंकि इससे वो लिंक कुछ है नहीं। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए अमाउंट 12,000 हो गया, 600 रुपया जीएसटी हो गई, टोटल आपका 12,600। अब मैं टाइप 2 करूं, उसके बाद करूं, तो यहाँ पे 10% करना चाहिए, 15% करना चाहिए, 20% करना चाहिए, ये तो कंडीशन होंगे ना कि अगर 1 हो तो 5% कैलकुलेशन और 2 है तो 10% की और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको यूज करना कंडीशन, जैसे कि एक्सेल में आप करते हैं, जैसे अगर एक्सेल के अंदर में अगर आपके पास मान लीजिए देना हो कि भाई 1 हो तो कुछ और हो, 2 हो तो कुछ और हो, तो उस केस में यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इफ को लगाते हैं ना कि इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो 5% आना चाहिए, दैट इज वापस अगेन इफ दैट इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 10% आनी चाहिए। क्या ये इसी तरह का इफ लगा रहे, लगाने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है, तो चलिए बताते हैं कैसे हम लगाएंगे इफ इसमें, क्योंकि इफ भी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो यहाँ इसी की कैलकुलेशन से ऊपर लगाएंगे क्योंकि रेट इसी को यहीं पे चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी सीक्वेंस कौन सा है, कौन सी कैलकुलेशन पहले आएगी, कौन सी कैलकुलेशन बाद में आएगी। क्योंकि मान लीजिए अमाउंट प्लस जीएसटी टोटल है, तो जीएसटी की कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए, अमाउंट की कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए, ये बाद में करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस वन सीक्वेंसली चलता है, ठीक है, सीक्वेंस का भी ध्यान आप रखेंगे। तो यहां पे कैलकुलेशन होगा जीटी से, जीटी इज इक्वल टू 1 देन मुझे एक और यहां पे वेरिएबल डिफाइन करना होगा रेट का, तो डिम आर एज ए डबल, क्योंकि रेट डेसिमल में होता है, इसलिए क्योंकि यहां पे डेसिमल परसेंटेज वीवीए में नहीं चलता है, किसी भी वीवीए में चाहे एक्सेल हो या चाहे एक्सेस हो, तो हमें यहां पे डबल लेना पड़ेगा, तो डबल लिया। तो यहां पे मैं करता हूं कि इफ जीटी इज इक्वल टू 1 देन R इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो इसी तरह से कंडीशंस को बढ़ाना होगा, इस तरह से सिंगल कंडीशन इसलिए हम लगा रहे हैं कि अगर 2 हुआ तो हमें देना है 10%, 3 हुआ तो हमें देना है 10 15 और 3 हुआ, 3 नहीं 4, 4 हुआ तो हमें देना है 18%, और यहाँ पे हमारा 5 हुआ तो देना है 27%, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन में आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हमारा इफ सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है, ठीक है, इसलिए हम एक लाइन में लिख दिए। आप वीवीए में इंटरनेट पर देखते हो कि वो इफ और देन और फिर एंड इफ लगा रहता है ना, तो मल्टीपल कंडीशन में ऐसा होता है, हालांकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहीं पे इसको नीचे कर ले और यहां पे एंड इफ लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन क्यों खामखा कॉम्प्लिकेट करना, जो एक लाइन में हो जाता है तो एंड इफ लिखने का 3 लाइन क्यों करना। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लिकेटेड देखा जाता है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लिखेंगे उतने ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो अब हमारी ऑटोमेशन हो गई। अब मैं अपने फॉर्म को दोबारा से रन करता हूं, मैं 2 कर दिया कैलकुलेट, तो ये देखिए आपका इस बार 1200 रुपये आया है, 3 करूंगा कैलकुलेट 1800, 4 किया देन कैलकुलेट 7, 5 किया देन कैलकुलेट 3240। अच्छा, इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं डेसिमल प्लेसेस आ रहा है,
क्योंकि टोटल हमारा डबल है, जीएसटी भी हमारा डबल है। सर वही आ रही है, फिक्स कैलकुलेशन आ रही है इसलिए सर। ठीक है, मैं यहां पे 21 करता हूं, देन कैलकुलेट। अब डेसिमल में आया ना, अमाउंट डेसिमल में नहीं आया, अमाउंट हमारा द वेरिएबल ये था। तो एक आप समझ गए, हमने एक यूज बताया थी होल्ड करने के लिए। दूसरा, हमारे पास अगर मान लीजिए हम वेरिएबल यूज नहीं करेंगे तो हर जगह पे टैक्स डॉट वैल्यू, तो टैक्स जीरो तो आपका छोटा हो सकता है, लेकिन एक लंबा नाम होगा क्योंकि इसके सामने मुझे फॉर्म का नाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर्म, क्योंकि जब बहुत सारे फॉर्म होंगे तो एक्टिव फॉर्म पे चलेगा कोडिंग अंडरस्कोर फॉर्म वन डॉट, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सोचिए इस सब जगहों पे कितना लंबा मुझे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, समझ गए सर। तो हम इसके लिए भी यहाँ पे इसको देते ताकि हमारा शॉर्ट कम हो। दूसरा चीज ये है कि अब यहां देखिए कि जीटी जो है, हमने एक बार इंफॉर्मेशन ले ली और हम यहां पे दे रहे हैं। तो चलो ये तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, लेकिन इस पे अगर मैं चाहूं तो ये भी लगा सकता हूं कि मी यहां पे इनपुट बॉक्स, कि इनपुट बॉक्स एंटर टाइप, ठीक है। कि अब मैं अगर अपने फॉर्म को रन करता हूं तो मुझसे पूछेगा मेरा जीएसटी टाइप, मैंने दे दिया 2, तो मेरा उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, समझ गए। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यूज नहीं करता तो ये जीएसटी इनपुट टाइप को मुझे सब पे लिखना पड़ता ना जगह पे, तो जितना बार मैं लिखता उतना बार वो मुझसे इनपुट बॉक्स दे मांगता, तो मुझे 10 बार 10 कंडीशन, तो मुझे 10 बार अपना ये लिखना पड़ता टाइप। तो होल्ड कर मतलब कि आप एक बार किसी यूजर से, किसी फॉर्म से, किसी लोकेशन से, किसी फॉर्मूला से इनपुट ले और उसको कई बार यूज करें, बार बार वो इनपुट लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है डिम, बी एज ए बाइट। दूसरा होता है हमारा आई एज ए इंटीजर, ए बी सी डी आई कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आई लेना इंटीजर में। एल एज ए लॉन्ग, उसके बाद डिम बी डबल, इम एल एज ए बुलेन। अब क्या आई दो बार ने रखा है अलग अलग टाइप में, आई एज ए इंटीजर और आई एज ए लॉन्ग, सॉरी एल, ठीक है ठीक है। इम डी पी एज ए डेट और डिम एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा यहाँ पे स्ट्रिंग, और डिम और वी एज ए वेरिएबल। समझिए क्या होता है बाइट। बाइट जो होता है आपका वो सबसे छोटा होता है, मतलब कि वो बी इक्वल टू हम 0 से लेके 255 ही डाल सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे 800 ये अमाउंट डालूंगा तो वो स्टेप नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसकी लिमिटेशन जो होती है 0 से 255 में होती है, नो माइनस नो डेसिमल। इंटीजर माइनस 32,000 से प्लस 32,000 पे होती है, नो डेसिमल, और 32,000 से ऊपर 32,000 समथिंग होता है सर, एग्जैक्ट याद नहीं है, 32,000 समथिंग के लिए, ठीक है। और लॉन्ग जो होता है वो ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में, करोड़ अरबों में डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा हुआ तो डेसिमल जो है आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें आप
बूलियन डेसिमल भी डाल सकते हो, डी इक्वल टू बहुत बड़ा नंबर और आप डेसिमल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा डी अच्छा डबल होना चाहिए था, बुलियन हो गया, ठीक है। उसके बाद बुलियन जो होता है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लेता है, तो बी इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स। डीटी आपका डेट लेता है, अगर आपने डीटी यहां पे डीटी इक्वल टू 1-Jan लिख दिया इस तरह से, और टी के ऊपर एनीथिंग नंबर डेटा कुछ भी डाल सकते हो, नॉन कैलकुलेटिव डेटा वो स्टैक्स लेता है। और वी आपका वेरिएंट होता है, इसको ऑल राउंडर कर सकते हैं कि अगर मैं वी इक्वल टू नंबर डाला तो ए बाइट बन गया, ए बड़ा नंबर डाला तो ए इंटीजर बन गया, अगर मैं यहाँ पे डेट डालूं तो डेट बन जाएगा, टेक्स्ट डालूं तो टेक्स्ट बन जाएगा, जैसा डालूंगा वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। जब कुछ समझ में ना आया तो वेरिएंट ले ले। तो यहाँ टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग का किया फैसला, 86 बना है स्टीवन स्टॉपेबल स्मिथ। अब इसमें एक चीज हम समझते हैं कि जब हमारे पास एक चीज और है, जब हमारे पास ऑलराउंडर है तो हमने अलग अलग क्यों लिया है, क्या अलग अलग हमने क्यों लिया है? तो देखिए जैसे कि सिस्टम में कुछ भी होता है तो उसके उसके लिए एक सॉरी सिस्टम में अगर कुछ भी आप करते हैं तो उसका एक स्पेस जो है कैप्चर होता है, समझते हैं, एक स्पेस हमारा कैप्चर होता है। तो बाइट अगर करते हैं तो आपका सिर्फ 1 byte लेता है, आई करते हैं तो 2 byte, लॉन्ग करते हैं तो 4 byte, डबल है आई थिंक 6 या 8 byte है, बुलियन पे 2 bytes है, डेट पे भी आपका आई थिंक 4 या 8 byte होता है, स्ट्रिंग पे मिनिमम आपका 8 byte होता है, मैक्सिमम अकॉर्डिंग द टेक्स्ट साइज होता है। वेरिएंट पे हम आपको 16 या 32 bytes होता है, 16 and 32 bytes। तो आप बोलेंगे सर तो बाइट में है, हमारे पास तो डीबी और जीबी में डेटा है ना। तो देखिए एक माइक्रो जैसे आपने एक सब्जेक्ट बनाया, इस सब्जेक्ट का एक ए होता है, साइज होता है 255 KB से ऊपर के साइज हुई तो आपको प्रोसीजर टू लार्ज होगा। समझे? प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन देगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। तो तीन चीजें हो गई, पहले कन्वर्जेंस के लिए, जैसे कि आप यहां पे डेट देखिए तो डेट जो डाला हुआ है, अब ये डेट अगर मान लीजिए किसी और पे होता तो टेक्स्ट समझता, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में है तो टेक्स्ट समझेगा, बट डेट होने के कारण ये डेट में कन्वर्ट कर, ऐसे डेसिमल हुआ तो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो हम कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट नेम डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने फॉर्म पे किया था यहां। तीसरा हमें एक ही एक तरह से इनपुट लेना है, उसको कई सारे जगहों पर यूज करना है तो हम वेरिएबल्स डिजाइन करते हैं। समझ में आ गया आपको सर? तो वेरिएबल्स जो है आपका तीन तरह का होता है, एक आपका होता है डेटा टाइप, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टाइप, और तीसरा होता है आपका इवेंट टाइप। तो इवेंट टाइप जो है ये एक्सेस में नहीं चलता, ऑब्जेक्ट टाइप चलता है, जो कि आगे की क्लासेस में बताएंगे, वो थोड़ा सा एडवांस है। तो अभी ये जो चीज मैंने आपको बताई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर
आप किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस और डेटा इनपुट तो होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इनपुट लिया, चाहे वो इनपुट बॉक्स से ले या फिर किसी ऑब्जेक्ट से ले। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्म ले रखा है आपके एक्सेल में, हो सकता है रेंज A1 B1 C1 एक्सेल में इसके जगह पे रेंज B1 C1 हो जाएगा, या यूजर फॉर्म होगा तो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। लेकिन स्टोर करने के लिए वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। तो हरीश जी समझ में आया कि नहीं? बेसिक्स फंडामेंटल है। बस आप ये समझिए, हमें ये आज का क्लास का पर्पस ये था समझाना कि हम प्रोग्रामिंग करते समय इस तरह का डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर करेंगे। ओके सुजीत जी, समझ में आया आपको? सॉरी दत्ता, समझ में आया आपको सुजीत दत्ता जी? हाँ सर। और जोशी जी आ गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम इस आगे की चीजें बताएंगे जोशी जी, ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।